करिए बदलाव की तुम गल की भी पहले जिन्ने सबका मंत्री इस बार अंदर होए हैं इस सरकार वेले किसी सरकार वेले नहीं होए आरोप लगते थे देखो सच्चाई की है लोग आते तो उन्होंने बचाते हैं वो आ जाते तो उन्होंने बचाने लग जाते जिन्होंने गड़बड़ की घोटाला किया जिन्होंने पैसे खाधे आ जिन्होंने लुटमार की वो अंदर जाने चाहिए आ मैं इन्हों इस गल के उ मैं बहुत खुश हाँ मैं भगवंत मान जी ने मानयोग सीएम साहब एक सलाह ही देनी चाहूँगा भी सीएम इन्ना बोलता ही नहीं जी तुम पहला जिन्हें भी तुम सीएम ज प्राइम मिनिस्टर ज कोई जेडे सर्वोच्च पद पर बैठे लोग है वह नहीं बोलते जे कोई अपोजिशन का होंगे वा भी वह गल् करनिया होंगे ना सवाल करने होंगे ना पूछना ही होंगे वा उन्होंने तो वादे किए जी आ नहीं पूरा किया आ नहीं है तो खुंदक आने की लड़ नहीं होंगी सीएम का मतलब अपने स्टेटस न बना के रखने की जरूरत जी सीएम बारे पर गल होंगी सरकार का कंट्रोल किन्ना उस वेले फिर भी कंट्रोल सीगा लिमिट सी कोई अज तो अनलिमिटेड हो गया ना जो शब्द मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा यदा मतलब ये लोग जोड़े भी माफिया जिंद गल करते भी माफिया राज है पंजाब जिन्हों बे माफिया का मतलब सारिया सरकार ताकतवर होंगे जी नहीं ये तो हूँ तेरे सामने ही है भी यही सब तो ज़्यादा दम भरते भी कैप्टन साहब आए तो सहु खाधी गुटका साहब की भी मैं चौं हफ्तिया खत्म कर दूंगा इन्ना क्या मैं छे महीने खत्म कर दूंगा वो चौं हफ्तिया भी चल गए पांच साल लुटमार करके छे महीने जिन्हों की पैंठा चो पचवंजा की जमानत जब्त होंगी है पैंठ आप कैंडीडेट खिलारे हैं हाले जे कैप्टन की पार्टी ने सीटा दतिया उन्होंने मेरा ख्याल सारे की जमानत जब्त आई हुई है जे 117 लाइए ना तो हो सकता इन्हों की 100 तो वध की जमानत जब्त हुई हो इन्निया यादगारा बनिया इतिहासक हर धर्म के जेडे आ ना वो वे जे स्थान से सारे सरकार यादगारा उत्ते भी आम आदमी पार्टी की सवाल खड़े कर रही है भी कहते पैसे का बहुत हेरफेर होया तो कढ़ लैन यार तो उन्होंने को सरकार है कढ़ी जान जो कढ़ सकते हैं अज तक तो कुछ निकलिया नहीं गया है ना जो मर्जी करी जा सत श्री अकाल नमस्कार मैं हाँ दीपक भंडारी तुम देख रहे हो डीफोज न्यूज़ पंजाब के भगते मुद्दों से अज गलबात करांगे साडे नाल ने सबका कैबिनेट मिनिस्टर अनिल जोशी जोशी साहब तुहाडा स्वागत है बहुत धन्यवाद जी भंडारी साहब जोशी साहब तुम कैबिनेट मिनिस्टर रहे लोकल बॉडी मिनिस्टर रहे तुम इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहे तुम मैडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे लंबा समा हो गया तुम्हें राजनीति करदे आ मैं पहला सवाल तो मेरा यह है जोशी साहब आम आदमी पार्टी की सरकार जिहड़े भी वादे करके आए थे भी केजरीवाल साहब की अज भी वो इंटरव्यू वायरल हो जाती है 20,000 करोड़ मैं रेता से बचाऊंगा और 15,000 करोड़ जो है वो शराब से बचेंगे तो जे ये चीज़ क्या वो सच होया पता तुहानू भी है पता मैनू भी है तो इस हवाले से करके पुछते पे जे झूठ की सरकार है लोगों नू ट्रैप किया इन्होंने जो इन्होंने क्योंकि लोगों के यहोजे जुमले ने बदलाव वाली जी लोगों के दिमाग से गल आ गई ना भी रवायती पार्टियां अकाली दल ने भी बहुत बारी वोट पाती कांग्रेस ने बहुत बारी वोट पाती है चलो ये कहते पे भी एक मौका सानू दे दो एक मौके वाली जिहड़ा इन्हां दा जुमला सी ना ते उन्हें इन्हां दी सरकार बनाती विखाया इन्होंने झूठ दिल्ली का इत्थे जिस तरह इत्थों का झूठ हुण ये मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ बाकी स्टेटां जो पाते पे आ एक स्कूल ऑफ एमीनेंस लिखता इतने मैरिटोरियस स्कूल जो बादल साहब ने बनाए थे जो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर से सेवा केंद्र से बोर्ड लाता पहला तो वह पैसे खाधे 15-15 लाख रुपया रंग रोगन का 15 लाख रुपये का रंग रोगन मैं नहीं पता कमरे च किस तरह का बदले कि रोगन इन्होंने लिया जोड़ा एडा महंगा आता तो वह बोर्ड लाता उ अपना महला क्लीनिक ये सारिया फोटो सिर्फ विखाने वास्ते मध्य प्रदेश ऐसी स्कूल ऑफ एमीनेंस बनाते जी इन्ने असी महला क्लीनिक बनाते जी की है करते इन्हों के सारे इंस्टीट्यूशन तो फेल हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज रोज़ रौला पिया हूँ कभी कोई न्याणा चुकया जाता मैं तो आना इतने जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने भी पूछने की लड़ है भी प्रिंसीपल साहब तुम वेखो ध्यान करो इतने बच्चे चुके जा रहे इतने कल फिर एक बच्चा मर गया वो झगड़ा पिया रोज़ झगड़े पेंदे आ कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलती पई इन्हों कोई इन्हों इंस्टीट्यूट नहीं चलता पाया कॉलेज फेल हो गए बड़े हॉस्पिटल फेल हो गए PHC CHC फेल हो गई एक कमरे से महला क्लीनिक की फोटो जरूर जा रही है कि इन्होंने क्या अं महल महल मेडिकल फैसिलिटी दे देंगे तो उत्थे नर्सा भाती हैं कितने स्टाफ हैगा कितने छड़ के भी चल गया रिजाइन करके तो इन्होंने उत्थे रखी सिर पीड़ की गोली ढिड पीड़ की गोली
ते ओ रखियां हाजमे दी गोली ते ओ चलदा पिया बाकी सारा खत्म। जिहड़ी तुसीं रेत वाली गल कीती मैं तुहानूं गल ते इही कहा ना झूठ बोल के आए सी इत्थों दा उत्थों दा दिल्ली वाला झूठ इत्थे चल गया हुण मध्य प्रदेश तो इत्थे तो पुछण नहीं आऊगा कोई जी कि महला क्लीनिक मैं वेख के आवां की है फोटोआं वेखणगे उहदे च बहुत मार आ बहुत मास्टर आ सोशल मीडिया ये बहुत मास्टर आ जिन्हां ने 25 करोड़ साडियां सरकारां वेले जिहड़ा बजट सीगा साल दा एडवरटाइजमेंट जां इहदा सोशल मीडिया जां टीवी दे उत्ते ऐड देण दा इन्हां ने सीधा पहलां 750 करोड़ करता हुण मेरा ख्याल इलैक्शन ईयर जिस तरह बाहर इलैक्शनां दे ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਨਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਪਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਖਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੂੰਗਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ FIR 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਲਾਣ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰ ਮੈਰਿਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁੰਦਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ ਇਹ ਸਨਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਡਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਉ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ DGP ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋ ਲਓ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਅਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 10 ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੇਸ ਵੀ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ BJP 'ਚ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ CM ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ CM ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੰਦਕ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ CM ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀ CM ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ CM ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪ ਹੀ ਖੁੰਦਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ CM ਸਾਹਿਬ ਨਪਿਆ ਤੁਲਿਆ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ
पर चलो जे आदत आ भी कुछ स्टेजा करते रहे है ना ठीक है जो उन्होंने आदत आ तो ये कोई स्टेज नहीं गी तो भगवंत मान जी मेरा ख्याल आ भी अज की डेट के समझते पे भी मैं स्टेज पर हाँ अगे ऑडियंस ने तो इन्हों मैं खुश करना ही आ जो पहला करते सिक्रिप्ट लिखी एक चंगा एंटरटेन वास्ते प्रोग्राम बनाया तो लोगों नू खुश किया हूँ भी उही है एक्चुअल हकीकत तो कुछ नहीं गया जी नहीं वो कहते ना जी मैं दसूँगा भी कौन लुटके लै गया उन्होंने जो वो नहीं कोई दसदा हुंदा ना इन्हां को दस्या जाना ये लोग दसते होंगे जो वोटा आउंदियां जी तुसीं आखो भी भगवंत मान जी हुण जो दसदे पए आ उह सच है वह सच नहीं है जदों वोटां आउणगियां ना इलैक्शन आऊगी पार्लीमेंट आ रही है ना जी जदों पार्लीमेंट आऊगी लोग दसणगे जे तो इन्हां दी अगे ना वोट वध गई तो फिर लोग कहणगे वाकई इन्होंने बहुत कुछ करता जी तो जे इन्हां दी वोट अद्धी रह गई तो फिर तुहानूं लग जूगा भी ये झूठ बोलते पे आ स्टेज शो करते पे आ ये समा आ गया और लोगों ने दस देना भगवंत मान जी जो मर्जी कही जाण ये हुण बाहर भरमा सकते हैं ये उत्थे जा के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान ये झूठ विखा सकते हैं उन्होंने जितना पंजाब नूं सच मनवाया ही दिल्ली वाला झूठ उतना उन्होंने पंजाब का झूठ सच मनवा सकते हैं क्योंकि उन्होंने वेखन नहीं होना पंजाब तो वेखता पाया चिकन गुणिया ना मरती पई दुनिया दो चीज़ा जी चिकन गुणिया ना मरती पई है गंदा पानी पी रहे लोग सीवरेज ना बुरा लिया सड़क टुटिया वा नंगन नूं कोई जगह जो सर दो चीज़ा जी पंजाब च देखो नशा तो वध्या कोई दौर दो तीन चीज़ा सी बेअदबी होंगी नशा जरा रेत नहीं वधी नहीं रेत मिलती नहीं ना जी फिर नशा वध गया रेत मिलती नहीं पई रेट ही इन्ना वा कोई अफोर्ड नहीं करता मिलती तो मतलब ये नहीं है मिलती नहीं गी जे तुसी दस गुणा पहला नालों साढ़े टाइम नालों दस गुणा तो चीज़ लैनी होगी तो तुहानू मिल जूगी पर यह आ भी ये जो कहिंदे सी उहदे तों बिल्कुल उल्ट आ अज जिन्ने सड़कां ते लोग मरदे पए आ जिन्ने कुड़ियां भी इन्नियां नशा करदे पई उदों ये नहीं सी हैगा सरकार कोई नहीं चाहती होंगी कंट्रोल की गल हुंदी आ उस वेले बहुत घट सी उदों बदनाम करन वास्ते बहुत प्रपंच रचिया गया प्रोपोगंडा किया गया उदों बहुत प्रोपोगंडा किया गया है क्योंकि रीजनल पार्टी नूं मार के ही नैशनल पार्टियां जिहड़ियां ना राज कर सकदियां रीजनल पार्टी वास्ते जिन्नियां नैशनल पार्टियां वो सारियां दा इक्को एजेंडा हुंदा भी इहनू किन्ना तोड़ फोड़ जां डीफेम कर सकदे आ इहनू किन्ना बदनाम कर सकदे आ साडी वारी किसे ना किसे दी आऊगी पर फिर ही आऊगी जे रीजनल पार्टी नूं मारांगे ते उस वेले इहनां सारियां नैशनल पार्टियां ने इह बड़ा ज़्यादा प्रचार किया उहदा असर जिहड़ा वा उह इह होया भी इह पूरे देश दे विच दुनिया भर दे विच पंजाब नशे करके बदनाम हो गया पर उस तो जे अज दस गुणा ज़्यादा वा तो ये कंट्रोल नहीं इन्हों का ता करके ज़्यादा वा सरकार जड़िया ना उदों जे दस गुणा घट ये चीज़ा तो जड़िया सदा तो चलदिया आई हैं राजा महाराजा वेले भी होणगे नशे हैं तो ये बॉम्बे भी है तो ये दिल्ली भी है तो हर थां ते ही आ पर गल हुंदी सरकार दा कंट्रोल किन्ना उस वेले फिर भी कंट्रोल सीगा लिमिट सीगी कोई अज ते अनलिमिटेड हो गया ना जो शब्द इहदा मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा इहदा मतलब ये लोग जिहड़े भी माफिया जिहदी गल करदे सी भी माफिया राज है पंजाब दे विच जिहनूं ते माफिया दा मतलब सारियां सरकारां नूं ताकतवर हुंदा जी नहीं तो हुण तुहाडे सामणे ही आ भी इही सब तो ज़्यादा दम भर दे भी कैप्टन साहब आए तो सहुं खाधी गुटका साहब दी भी मैं चौं हफ्तिआं च खतम कर दूंगा इन्हां कहा मैं छिआं महीनिआं च खतम कर दूंगा वो चौं हफ्तिआं वाले भी चल गए पंज साल लुटमार करके ते छिया महीने वालों का हाल वेख लो भी अज इन्ना क चलो खैर ये हसन वाली गल नहीं मैं माफ़ी चाहना जी कि ये नशा जिहड़ा अज कुड़ियां मुंडे सड़कां दे उत्ते तुरे फिरदे आ शरेआम लोग बोलते पे आ वह फलाना वेचदा ही वह वेचदा ही वह वेचदा ही कोई कंट्रोल अच्छा जो सब कोई क्राइम ते गोली जिथे मर्जी मार दो जिन्हों मर्जी गैंगस्टर जिहड़ा वा वो इन्ने क शरेआम जो मर्जी करते पे जेलां च बह के नैटवर्क चल रौतियां लेंदे पे आ जेलां तो नैटवर्क चलता पाया वा वो अपना लाइव हो के इंटरव्यूआं करते पे आ कित्थे कंट्रोल है की कंट्रोल है अच्छा जो सब बीजेपी च तुसीं लम्मा समा रहे हो बीजेपी च बहुत सारे कांग्रेस दे जिहड़े मंत्री जदों सरकार पलटी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी छड के चले गए सी नाम चलो की लैणा सब नूं पता ही है तो हुण उदों कहिंदे सी भी कांग्रेस खराब बीजेपी बहुत दम पर देशों वापस आ गए भी की लगता तुहानूं कि ये
बीजेपी च मोह भंग हो गया उन्हां दा जां जिहड़ी मंशा लै के उत्थे गए सीगे ओह पूरी नहीं होई? ना बीजेपी ने तो मैं समझूंगा जिस तरह आंदे ना कौआ चला हंस की चाल अपनी चाल गवा बैठा जी, इन्होंने अपनी पार्टी नूं वधाउण वास्ते अपने कैडर नूं मजबूत नहीं किया, अपने लोगों नूं तकड़िया नहीं किया, इन्होंने इधरों उधरों जिहड़े, क्योंकि मैं तो समझदा कोई आंदे जे विचारधारा वाली पार्टी जां असीं जिहड़े विचार नाल जुड़े तो विचार तो है नहीं कोई। नहीं तुसीं लंबा समां रहे, तुसीं उत्थों ही मंत्री बणे। मैं ही आख्या विचार हुण है नहीं कोई, कारपोरेट हाउस है जिहड़ा कोई जिस तरह कोई आई टी का कोई हुंदा ना एक्सपर्ट एक्सपर्ट तो उन्हूं किसी कंपनी चुनू वध तनखाह दे के लैओ, तो जो आई टी वाले भी ये सोचते जो एक्सपर्ट होंगे जो नौकरियां करते हैं कंपनियां वो उधरों वध पैकेज मिलता तो उधर चल जाओ। हुण तो यह सिस्टम हो गया पार्टियां का हाल। तुम वेखो भी ये सब तो आते विचारधारा वाली पार्टी आ, अलग विचारधारा वाली, जो कांग्रेस के जिन्हें करप्ट दूजे तो जेडे है ना भजे उधरों पता नहीं डरते मारिया भजे कि सानू पुलिस ना फड़ ले है ना, जिन्होंने जो किया तो उधर चले गए जी, साल छे महीने निकले तो उधर उत्थे उन्होंने दम घुटन लग पिया, अपने कैडर जिहड़ा इन्होंने मार लिया, अपने सारे बीजेपी वाले ने नाराज कर ले, और नरंग वर्गे जिहड़े बंदियां दे सारे कपड़े लाते गए उस किसान मोर्चे च जिन्हां ने एक कुर्बानी बहुत वड्डी जी है ना, मैं गया दो जणां दी रो पिया सी ओ जी, मैं गया रो पिया है, तो उस बंदे नूं इन्ना क खुडे लैण लाता इन्हां ने भी उन्हूं कोई पोस्ट तक नहीं दित्ती गई, जिन्हें जाखड़ साहब नूं हराया सी ते जाखड़ साहब नूं उत्थों लिया के प्रधान बनाता और रिजाइन करके आम पार्टी शामिल हो गया। पटियाले दा इन्हां दा पूरा यूनिट मेरे टाइम तो डिप्टी मेयर सी कोहली कोहली आ, वह सारे मंडल प्रधानां नूं ते जिहड़े कौंसलर पहलां सीगे एक्स कौंसलर उन्हां नूं लै के आम पार्टी शामिल हो गया। कुछ किधर चल गए कुछ किधर चल गए भी इन्हां ने तो सारी कांग्रेस बहा ली साढ़े तो उत्ते है ना, मेरे वर्गियां नूं कढ़ता इन्हां ने इस गल ते कि मैं पंजाब नाल खड़ा होया, पंजाब दे किसानां नाल खड़ा होया, फिर उही बिल वापस लैने पए सी जिहदे करके तुहानूं उही गल कह के मोदी साहब ने बिल वापस लै ले ते नाल माफ़ी भी मंगनी पई। जिहड़े मैनू जो मैं दिल्ली गया ना तो इन्हां दे नेता जिहड़े आंदे सी एक इंच भी पीछे नहीं हटना है, अगर आप समझा सकते हो किसानों को तो समझाओ, नहीं तो हम मिनिस्टरों को लगाएंगे अपने उनको समझाने के लिए, वो समझे नहीं, वो दिल्ली तक चढ़ाई कर गए, जो मैं आंदा ही भी इत्थे ही मुक जानी दो तीन गल्लों के उत्ते वो मनी नहीं, इन्होंने कहा भी एक इंच भी पीछे नहीं हटना है, मैं हाथ जोड़ के तो आ गया तो जो मेरे मन च आया वो मैं, क्योंकि असी पंजाब च राजनीति करनी है जी, पंजाब साडा भाईचारा वा हिंदू सिख भाईचारा, नहीं जो सब इत्थे सवाल साडा साडा किसानां दे नाल बहुत सारे व्यापार आ जी जी है ना, उन्हां लोकां नूं छड्ड के असी दिल्ली वल खलो जाइए यार, मैनूं नहीं समझ लगी पूरी जी सब, बहुत सारे बीजेपी दे लीडर जिहड़े आ उह तां दिल्ली नाल खलो गए जी, उन्हां ने पंजाब दी गल नहीं कीती ते खट्टिया की उन्हां ने की खट्टिया 65 इन्हां ने खलारे ते 55 दी जमानत जब्त कराई, यही कराया ना जी, अज कांग्रेस चो इधरों उधरों जिहड़े बंदियां नूं नहीं सी मतलब जो किसी कोई किसी मंतव ना आ गया किसी नूं कितें जगह नहीं मिली जी वो चल गया, कोई किसी गल्लों नाराज होया वो चल गया, चले तो गए है ना, वो आए क्यों वापस, इन्हां दे थले तो जमीन ही नहीं हैगी यार, जिन्हां दी 65 च 55 दी जमानत जब्त हुंदी आ, 65 आपां कैंडीडेट खिलारदे आ, हाले जिहड़े कैप्टन दी पार्टी नूं सीटां दित्तियां उन्हां दी मेरा ख्याल सारिआं दी जमानत जब्त आई होई आ, जे 117 लाइए ना तो हो सकता इन्हों की 100 तो वध की जमानत जब्त हुई हो, पर यह आ भी वो जिहड़े लोग गए इस लालच में भी सेंटर च सरकार आ कुछ गनमैना लालच में पता नहीं वक्रे वक्रे अपने मंतव होणगे जिहदे करके गए, तो उन्होंने वेखे जमीन तो है ही नहीं इन्हों यार, क्योंकि इस वेले लीडरलैस पार्टी है पंजाब दे विच, बीजेपी का जिहड़ा कैडर का कोई भी लीडर इहो जिहा नहीं हैगा जिहड़ा अपने कैडर नूं अपने वर्करां नूं अपने विचार दे लोकां नूं संभाल ले। अच्छा जो साहब 2024 के इलैक्शन आ रहे हैं उस तो पहले लिखा कारपोरेशन के इलैक्शन आ रहे हैं पंजाब दे विच, पता लग गया सैमीफाइनल है की बनेगा की नहीं, पर की तुहानूं लग रहा जिवें एक पासे बीजेपी है तो दूसरे पासे INDIA गठजोड़ बन रहा है, भी तुहानूं की लग रहा है कि इस वारी बीजेपी की भी उन्ना सौखा नहीं है भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाँ का जादू वो देश चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? देखो 10 साल हो गए ना जी प्रधानमंत्री, देखो नरेंद्र मोदी जी मैं कहूँगा भी प्रधानमंत्री उन्होंने लैवल का अज तक देश जिहड़ा वा ना वाजपेयी साहब आए जी जिन्हां प्रति साढ़े मन च बहुत वड्डी श्रद्धा वा जी,
मोदी साहब ने दुनिया के हिंदुस्तान का नाम उच्चा किया। मैं कोई वेखो जी गल जी ठीक है ना, मैं उन्होंने ठीक कहूँ, जी नहीं ठीक नहीं कहूँगा। जो पंजाब पार्टी लीडरलैस आ लीडरलैस जी, एक किसी के मतलब जो मतलब किसी के दुख दर्द खलूंदे नहीं जी, कि कोई इन्नी जोगा नहीं है किसी का कोई कित फोन करके काम करा दे जी, किसी की बाँह नहीं फटते। ठीक है ना, पंजाब जे ये हाल है। तो जे मैं मोदी साहब की गल करा जे तो वह सच्चाई ये है भी उस लैवल का अज की डेट के कोई दूसरा लीडर नहीं जी। पर 10 साल सरकार चलाने तो बाद ना चीज़ा जीडिया लोगों के मन कुछ ना कुछ आना डाउनफॉल आ जी, लड़ाई क्योंकि चंगा काम करने वाले को भी गलतियां कुछ होंदियां जी। ठीक है ना, आप मैं तो कुछ माड़ा नहीं किया, आप 10 साल रह लिया, 5 साल MLA रह, 5 साल मिनिस्टर रह लिया, इतिहासक काम किया पंजाब अज तक। मैं कहना वा भी मेरे तो वध काम नहीं किसी ने किया होगा, तो इमानदारी ने किया, इतों किया, उंगल नहीं कोई कर सकता। ठीक है ना, पर उदे बावजूद भी लोगों ने 10 साल बाद हराता जी। इस करके कोई पता नहीं लोगों का मूड की बन जाना, 10 साल वेख वेख के वैसे जिन्ना मर्जी चंगा बंदा वे आ की जाते। नहीं नहीं, मेरा सवाल जोशी साहब क्या जिमें INDA गठजोड़ बन रहे हैं, इस करके उन्होंने खतरा, मैं ही कहन लगा जी, इस करके उन्होंने खतरा तो महसूस हो ही रहा वा। सेंटर दे आ हुण मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीन तो आ हिंदी बैल्ट है ना जी जी जी, जिथे इन्हों का सरकार जी बनदिया रही वा जी जी। मध्य प्रदेश लगातार आ, छत्तीसगढ़ किन्ना चेर सरकार रही पिछली बारी बदली, राजस्थान भी पिछली तोड़ ली ना जी, फिर मध्य प्रदेश तोड़ ली ना, तोड़ते तो एरकी बन जाती, पर एरकी मैं जापदा वा भी एरकी मुश्किल आ औखा वा। तो जे तीन सरकार जांदियां तो नैचुरली आ पार्लीमेंट के सिग्नल होगा भी ये डाउन आउणगे है ना। इस करके भी ये तो मैं फिर कहूँगा नो डाउट दुनिया च हिंदुस्तान का नाँ आया मोदी साहब के टाइम पर, इतिहासक डिवेलपमेंट हुई है, बहुत वधिया रहा। पर मतलब 10 साल के कुछ गलतियां भी होनगियां जिहड़े लोग लब के रखते हैं। जो सब तुसी मंत्री भी रहे हो हुण तुसी अकाली दल चो, तो अकाली दल इस वेले BJP नाल नाता टुट गया है, तो अपने दम के उत्ते देखो जो सच है जो जमीनी हकीकत है भी बड़ा औखा है जी, कल्ली BJP भी लड़ती है पंजाब दे विच, ते जे कल्ली अकाली दल भी नाल लड़ते हैं। मैं दस देना ए सब तो माड़ा समा जिहड़ा है ना जी, 2022 दी इलेक्शन सी अकाली दल वास्ते जी, 3 सीटां रह गईयां जदों 3 सीटां रह गईयां जी। ठीक है ना, सब तो माड़ी परफॉर्मेंस, सब तो माड़ा समा यही सी जी। उहदे च वी मैं इस पार्लीमेंट दी तुहानूं मैं हिसाब दस दिंदा जी, इस पार्लीमेंट के एक नंबर पर सीगी क्योंकि नेरी सी, नेरी आप दी आम पार्टी दी, ते एक नंबर पर वह सी, पर दूजे नंबर के उत्ते अकाली दल सी जी। 4.25 लाख वोट जिहड़ी है ना, 9 हलकियां दी जोड़ लाइए, 4.25 लाख वोट आम पार्टी दी कटी ना टोटल, टोटल अच्छा 9 हलकियां चो जी जिहड़ी उन्होंने लई जी, 9 हल्के आप अमृतसर की 9 पार्लीमेंट, एक पार्लीमेंट का सैंपल दस रहा जी, जी मैं एक पार्लीमेंट का सैंपल जिहड़ा ना जी अमृतसर का, वो ये आ भी 9 हलकियां दे विचों 4.25 लाख वोट जिहड़ी वो आम पार्टी दी जी, दूजे नंबर पर अकाली दल सी 2,67,000 वोट जी, तीजे नंबर पर कांग्रेस सी 2,59,000 वोट, 9 हलकियां का जोड़ जी जी, तो BJP जिहड़ी आ वो टोटल 53,000 वोट, मतलब पंजाब च BJP दे कोई पैर नहीं साडे सामने ही है। अच्छा जो सब 53,000 वोट ते हुण जिहड़ा वा कुदरती है भी आप जिहड़ी आ उहने डाउन आउणा, उहदी वोट घटनी है, हनेरी ते है नहीं कोई, हुण लोकी समझ गए वो पोल खुल गई है ना, सब देख पिया लोकां नूं बदलाव किहड़ा बदलाव कीता इन्हां ने जी, इस करके हुण वो डाउन आउणा, अकाली दल दी वोट अकाली दल नूं जाऊगी, कांग्रेस दी कांग्रेस नूं जाऊगी। तो मेरा ख्याल है भी एरकी अकाली दल बहुत वधिया परफॉर्म करेगा ए पार्लीमेंट दे विच। जो सर तुसीं लोक सभा चुनाव लड़ोगे अकाली दल वालों, देखो आपां सिपाही हाँ जी, फौज का काम लड़ाई लड़ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा भी जे होर कोई है तो ठीक है, मैनू जे उन्होंने एड्डा माण करके मेरा मैनू कोर कमेटी सुखबीर जी ने लिया जी, मैनू उन्होंने अपना व्यापार ते इंडस्ट्री ट्रेड सैल का जी चेयरमैन बनाया पंजाब का है, जिहड़ा अकाली दल का व्यापार का यूनिट तो ट्रेड इंडस्ट्री का यूनिट है वह पंजाब का चेयरमैन लाया, फिर उन्होंने मैनू इंचार्ज इस लोक सभा हल्के का लाया है ना जी, इंचार्ज देखो मंशा तो पार्टी की यह है भी मैं इलैक्शन लड़ा, मैं भी रिक्वेस्ट की है, पर जे जे कमांडर ने ऑर्डर करता मैं भी लड़ना, तो कोई सिपाही का यह काम थोड़ी हों, नहीं जी वो तो मोर्चे के उत्ते मैं नहीं जाना, मेरा जी नहीं करता,
जे कहूगी पार्टी ड्यूटी लाऊगी तो लड़ांगे, जरूर लड़ांगे, पूरे जोर ना लड़ांगे तो जितांगे भी। कहना क्योंकि आपां कुछ माड़ा नहीं किया ते ना ही अकाली दल ने कुछ माड़ा किया। तो मैं ये भी कहना चाहना जिस तरह मैनू डीफेम करने वास्ते वख वख तरह के मेरे खिलाफ परपंच लोगों ने झूठ फैलाए, मेरे ते चिक्कड़ सुटिया, जेब वाल तकिया कोई अज उंगल करके अज भी विखावे कि मंगार भी पाई होवे अनिल जोशी जी इथो किया इमानदारी ना शौक ना किया मेरा जनून सी काम करन दा ते मैं कीता ते अज भी जनून है मौका देंगे ते फिर उस तरह ही करके विखावांगे कोई एनर्जी नहीं कटी काम करन दी मेरी लाइफ दा ते गोल है ही नहीं कोई जी मैं ते आना कोई पैसा लाइफ दा गोल हुंदा भी नहीं गा ते होना भी नहीं चाहिए किसी का ते मेरा ते बिल्कुल नहीं है मैं ते कारोबार छड्ड के बैठा जिस विच कोई शक परिवार करदा मैं कारोबार छड्डिया मेरा एको ही है मिशन सेवा ते मैं अज भी कुछ करना चाहुंदा अमृतसर सर वास्ते सब ने चले जाना पर चंगियां यादा यहो जे मिसाल कायम करके जाइए जी सारी दुनिया हमेशा याद रखे। दूजा मैं कहना चाहना जिस तरह मैनू इस तरह किया उस तरह अकाली दल लोगों ने बदनाम किया सेंटर दियां पार्टियां ने डीफेम करने वास्ते सोशल मीडिया कंपेन चलाई सुखबीर जी के खिलाफ चलाई। मैं कहना सुखबीर जी तो वध विजनरी सुखबीर सिंह बादल जिहड़े अकाली दल के प्रधान उत्तों वध विजनरी उत्तों वध पैशन वाला पंजाब के हित वाला पंजाब दे दर्द नूं समझण वाला ते सिर्फ पंजाब ही जिहदा मुद्दा वा ना हिमाचल ना हरियाणा ना राजस्थान ना हिमाचल पंजाब ही मध्य प्रदेश है ते पंजाब ही दी लड़ाई है उहदी ते पंजाब दी लड़ाई लड़ सकदा ते अकाली दल ही लड़ सकदा ते उहो जिहा विजनरी ते काम करन वाला लीडर दूजा पंजाब 'च हैगा वी नहीं जे ते इन्ना खुले मन दा ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਭ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇਜ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਯਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਜੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਗੱਲ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਕਿਆ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਹੈ ਨਾ BJP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ 4 ਸੀਟਾਂ BJP ਲੜਦੀ ਸੀ 1 ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਕੈਡਰ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜੂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਕੁਛ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੈਅ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਮਸਕਾਰ।